हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, सब है फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल वैदिक पंच के ऊपर। दोस्तों ये लीजिए जी, बहुत ही अच्छी शानदार बॉडी स्ट्रक्चर की बछड़ी हम लाए हैं आपके सामने। यह बछड़ी जो आप सामने देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छी कदकाठी की बछड़ी है, फुल हाइट लेंथ की। गल कंबल चेक कीजिए, हम्प चेक कीजिए इसका, ये देखिए आप, ये साहिवाल की बछड़ी है। आइए जानकारी लेते हैं। मनीष भाई नमस्कार। नमस्कार जी। मनीष भाई एक तो अपना एड्रेस दे दीजिए। ये हमारा एड्रेस है जी, ग्राम सिकरोड है, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। ठीक है जी। और यहीं पे हमारा छोटा सा डेयरी फार्म है। कितने आपका कितने साल से यहाँ डेयरी फार्म चल रहा है? ये 3 साल से चल रहा है। 3 साल से, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आइए इस बछड़े की डिटेल बताइए। ये बछड़ी गिर और साहिवाल की मिक्स है थोड़ी सी। ठीक है। और इसकी माँ ने साहिवाल नस्ल की गाय थी इसकी माँ, और खूब अच्छा दूध दिया इसकी माँ ने। ठीक है। ये बछड़ी अपने घर की इधर की? ये बछड़ी हमारी खुद की पाली हुई है। ठीक है जी। कितने दिन की बछड़ी होगी है? ये लगभग 2 साल की बछड़ी है जी। ठीक है। और ये प्रेग्नेंट है 2 महीने की। अच्छा, आपने गिर नंदी से एक प्रेग्नेंट है, 2 महीने की प्रेग्नेंट बछड़ी। ठीक है जी। तो ये भी सेल के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं? सेल के लिए अवेलेबल है। ठीक है जी। भाई थोड़ा हाथ घुमा दे, एक बार हाथ फेर दे, ये देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम शरीफ है। क्या क्या जायज कीमत आप मांग रहे हैं इसकी? इसके 35,000 रुपये। 35,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी बॉडी स्ट्रक्चर की है, 35,000 रुपये में। ये दूध मनीष में बहुत रहेगी गाय, ये बच्चा दूध बहुत देगी। ठीक है। ये आप देख सकते हैं गल कंबल हम बढ़िया। ठीक है जी, खोल दे भाई इसको, खोल दे भाई। 35,000 रुपये में बछड़ी अवेलेबल करा रहे हैं, और एड्रेस इन्होंने भाई ने बता दिया है, ऊपर स्क्रीन पर नंबर दे दिया है। आप ऊपर स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उन नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। ये देखिए चाल भी बहुत अच्छी है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। चलिए अगली बछड़ी देखते हैं। ये आप अगली बछड़ी आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया शरीफ एकदम। लो जी दोस्तों, ये दूसरे नंबर की बछड़ी लाए हैं जी आपके सामने, बहुत ही अच्छी बॉडी स्ट्रक्चर की, फुल हाइट लेंथ की बछड़ी है, गिन नस्ल की बछड़ी है। आइए मनीष भाई से जानकारी लेते हैं। मनीष भाई क्या डिटेल है इस बछड़ी की? जी ये बछड़ी हमारे यहाँ की एक गाय थी, उसी की ये दूसरे ब्याथ की बछड़ी है, सॉरी उसके पहले ब्याथ की बछड़ी है ये। ठीक है। और इसकी माँ ने 15 लीटर दूध दिया था। 15 लीटर दूध, ठीक है जी, बहुत बढ़िया दूध की गाय थी वो। ये कितने दिन की बछड़ी होगी? ये बछड़ी जी लगभग 2 साल की है। ठीक है। 51 होगी क्या? ये 51 होगी, अपने ही नंदी से 51 है ये। अच्छा, कितने दिन की प्रेग्नेंट है? 3 महीने की। 3 महीने की कन्फर्म प्रेग्नेंट है? कन्फर्म प्रेग्नेंट है भाई। दोस्तों बहुत ही अच्छी 3 महीने की प्रेग्नेंट बछड़ी है, और अच्छी हाइट लेंथ की है इसकी, और अभी तो ये फुल कद निकालेगी, एकदम सरी बछड़ी है। मनीष भाई क्या कीमत मांग रहे हैं इसकी? इसकी 40,000 रुपये। 40,000 रुपये कीमत मांग रहे हैं? ठीक है जी, खोल दो भाई। भाई दोस्तों बाकी मौके पे नेगोशिएशन हो जाएगा, थोड़ा बहुत मान सम्मान कर देंगे, जायज़ कीमत मांग रहे हैं बिल्कुल एकदम 40,000 रुपये बछड़ी की कीमत। ठीक है जी, ये देखिए कोई भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है चाल में। नेल क्लैप चेक कीजिए, हम्प चेक कीजिए इसका, बहुत बढ़िया हम्प है। गल कंबल चेक कीजिए, माथा चेक कीजिए, कानों का पैटर्न चेक कीजिए, और सिंगों का पैटर्न भी बिल्कुल नीचे की तरफ जाएंगे इसके सिंग, बहुत ही अच्छे दूध में रहेगी। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप चाल बहुत बढ़िया। चलिए अभी अगली देखते हैं। लो जी दोस्तों जी, ये एक और बछड़ी लाए हैं मनीष भाई के फार्म की, बहुत ही प्यारी शुद्ध गिर नस्ल की बछड़ी है। ये आप देख सकते हैं इसका हम्प चेक कीजिए, इसके कानों का पैटर्न चेक कीजिए, आँखें चेक कीजिए, माथा चेक कीजिए, सिंग चेक कीजिए, बहुत ही बढ़िया ये आप देख सकते हैं। हाँ बहुत प्यारा है इसका, बहुत बढ़िया छोटी सी बछड़ी है, अपने इनके फार्म की तैयार की हुई बछड़ी है। आइए मनीष भाई से जानकारी लेते हैं। मनीष भाई क्या जानकारी है बछड़ी की, बताइए डिटेल बताइए बछड़ी की। हमारे ही यहीं पे तैयार हुई है, और बहुत प्यारी बहुत चंचल बछड़ी है ये। और ये इसकी जो माँ है उसका 15-16 लीटर दूध का रिकॉर्ड है। ठीक है, बहुत। और इसका बुल जो इसका जो इसका फादर है, वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा, इसका भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा था। तो ये बछड़ी 1.5 साल की है, ये 1.5 साल से ऊपर की है बछड़ी। ठीक है, खीरी है अभी दांतों में जी। ठीक है, तो ये भी सेल के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं? सेल के लिए अवेलेबल है। क्या इसकी जायज कीमत मांग रहे हैं? इसकी कीमत 40,000 रुपये है, बाकी 40,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, 40,000 रुपये में आपको बछड़ी मिल जाएगी। और इसकी ये भी 51 तो अभी होगी क्या? ये कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि 1.5 महीने की हुई हो भी गई हो, नहीं भी होगी, कंफर्म नहीं है। ठीक है,
ये आप देख सकते हैं पीछे से इसका हम चेक कीजिए एक बार, हम देखिए एक बार इसका, बहुत बढ़िया हम है। खोल दे इसको, सारी बछड़ी हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बछड़ी बनेगी, बहुत बढ़िया गिरी, प्योर गिरी है। हम देखिए इसका 1.5 साल की मात्र बछड़ी है और अभी तो इसका हम बहुत बढ़िया बनेगा। इसका हम छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, ये देखिए ये देखिए ये देखिए कैसे उछल रही है, उछलती हुई जा रही है बछड़ी, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए बहुत बढ़िया अच्छी बछड़ी है। ऐसी बछड़ी बहुत कम देखने को मिलती है, ज़बरदस्त। आइए कुछ और जानकारी देते हैं, कुछ एक आधी और गाय देखते हैं। लो जी दोस्तों, एक और सफ़ेद रंग की गायें हैं जिनके पास में, अच्छे हम बॉडी स्ट्रक्चर की गायें हैं। आइए मनीष भाई से जानकारी देते हैं। मनीष भाई, क्या डिटेल है जी, बताइए जी। ये हमारे यहाँ पे ये दूसरे वर्ग की ब्याई हुई बछिया गायें हैं ये, ठीक है जी, और बहुत शांत स्वभाव की, बहुत ही शांत है कि बिना न्याणे के आप इसका दूध निकाल लो, बिना इसके पैरों में रस्सी बांध लो। ठीक है, हाथ घुमा के दिखाओ लेवे पे एक बार, ये देखिए बहुत सुंदर, ये आप देख सकते हैं जी लेवे पे, ये देखिए बहुत अच्छे मुठिया थन है, बढ़िया अच्छी गायें। और हम जैसा ये देसी नस्ल की है गाय जी जी, और इसके नीचे अभी 12 लीटर दूध है, 12 लीटर दूध तैयार है। कितने दिन की ब्याई होगी, 20 दिन की ब्याई हुई है। नीचे क्या है, इसके नीचे बछड़ा है, बछड़ा जी मेल काफ है, ठीक है। 12 लीटर दूध, नीचे बछड़ा, 20 दिन की ब्याई होगी है जी। दूसरा ब्यात है जी, शरीफ गाय है, जायज कीमत बताइए इसके। 40,000 रुपये हैं, बाकी 40,000 रुपये, ठीक है जी, ठीक है जी, 40,000 रुपये में मिल रही है गाय, ठीक है जी। खोल दे भाई इसको भाई, दोस्तों ऊपर स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है, मनीष जी से संपर्क कर सकते हैं आप इन गायों के लिए, और जिस भी भाई को लेनी हो यहाँ से ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करवा देंगे, ऑल ओवर इंडिया लेवल पर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, कोई भी कहीं से भी मंगवा सकते हैं। मनीष भाई के नंबर पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। यूपी गाजियाबाद में इनका डेयरी फार्म है, ये आप देखिए किस तरीके से ये चलती है, चाल में कोई नुकसान नहीं है, बहुत अच्छी गायें हैं। चलिए कुछ और गाय दिखाते हैं। ये लो जी, एक और काबरी गाय लाए जी, बहुत ही अच्छी बॉडी स्ट्रक्चर की काबरी गाय, बहुत बढ़िया डिडलोल शरीर है, आप देख सकते हैं। आइए मनीष भाई से अब इसकी जानकारी लेते हैं। मनीष भाई, क्या डिटेल है इसकी? ये पहलवान बछिया है हमारे यहीं पे, पहले भी आई, ये पहली बार भी आई है। ये अपने यहीं पैदा हुई थी क्या? नहीं, इसको हम लेके आए थे, ठीक है। और बछड़ा है इसके नीचे, मेल काफ है, ठीक है। और 12 लीटर इसने दूध दिया है, 12 लीटर दूध दिया है, ठीक है जी। और अभी ये बताओ, ये कितने दिन की ब्याई होगी है? ये लगभग 6 महीने की ब्याई, 6 महीने की ब्याई होगी है। अब मौके पे दूध कितना है? मौके पे इसके नीचे तीन चार लीटर दूध तैयार है, नीचे बछड़ा है, बछड़ा है इसके, बछड़ा। अच्छा, और ज्ञापन कितने दिन की है? ये लगभग 3 महीने की ज्ञापन है, लगभग 3 महीने की ज्ञापन है, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं जी, पहले है उसकी गारंटी है, ये पहले ब्यात की है गाय है, अब अभी दूसरी बार बच्चा देगी, 3 महीने की प्रेगनेंट है, अभी मौके पर दूध भी दे रही है और नीचे बेलकाफ है। क्या जायज़ कीमत मांग रहे हैं इसके? 45,000 रुपये, 45,000 रुपये, बिल्कुल एकदम जायज़ कीमत है इस तरह की। और ये आप ये लाए कहाँ से थे अभी, ये जितनी भी गायें हैं? ये सब गुजरात से लाए थे जी। सब गुजरात नस्ल की गाय आपकी है ना, गुजरात से लाई हुई गायें हैं जी। भाई दोस्तों, गुजरात में आप जाओगे ना तो 2-2 लाख रुपये कीमत मांगते हैं ऐसी गायों की, लेकिन मनीष भाई ने क्या कि इकट्ठी ली थी ये पहचान वालों से, घूम के गांव वालों से बच्चे ली थी हमने, तो ये छोटी पाली है इन्होंने, हमने पाली है। हाँ ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई। जो ऊपर स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है ना, उस नंबर से आप संपर्क कर ले और इनके आप मौके पे मोल भाव भी कर सकते। छोड़ दे इसको, छोड़ दो, या ये देखिए किसी तरह का कोई भी चाल में नुकसान नहीं है, बहुत अच्छी गाय है इनके पास में। ये कुछ अभी कुछ एक आधी और भी रह गई है तो उनकी भी जानकारी लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमने ये सारी कवर कर दी हैं इनकी, काफ़ी सारी गायें हैं। और ये जितनी भी गायें हैं ना जी, ये सारी के सारी ये अपने इसी बुल से प्रेग्नेंट हैं। आप बुल का हम चेक कीजिए, हम चेक कीजिए बुल का एक बार, हम देखिए इसका, बहुत बड़ा हम्प है, ज़बरदस्त, छोटा मुंह है, चौड़ा माथा है, ये देखिए बुल, देखिए आप एक बार बुल, ज़बरदस्त बुल है, ये देखिए आप, इतने बड़े हम्प का बुल बहुत कम देखने को मिलता है, ये देखिए कितनी भी इनके पास जो गिर गए ना, ये सारे के सारी जो है ना, ये इसी नंदी महाराज से ज्ञापन हुई है, इस नंदी का दूध का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ये देखिए कलकंबल, देखिए इसका बहुत बढ़िया शरीफ है एकदम, बिल्कुल हाथ घुमा दो सारे पे, तो हाथ घुमाओ उसके, ये देखिए हम पे
और मुनीस भाई की हाइट से भी ज़्यादा उच्चा बुल है। हाँ, ये आप देख सकते हैं, शांत है बुल, बहुत शांत है। ये देखिए इसका हम्प, देखिए मेरे ख्याल से 1.5 फीट चौड़ा, 1.5-2 फीट चौड़ा है हम्प इसका। ये देखिए टेस्टिकल बहुत बढ़िया है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट टेस्टिकल है इसके। ये देखिए, इधर से देखिए आप, बहुत बढ़िया। तो जो जितनी भी गायें हैं, जो गाभन है, अब इनके बच्चे जो आएंगे वो बहुत बड़े हम्प वाले बच्चे आएंगे इनके, तो आने वाले दिनों में आप इसके बच्चे भी देख पाएंगे। ये देखिए गलकम्बल, देखिए इसका गलकम्बल, देखिए बहुत बढ़िया ज़बरदस्त। तो दोस्तों भाई, इनके पास में कुछ और भी गायें हैं, आइए एक दो गायें की और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, और नंदी महाराज पे थोड़ा डिटेल से वीडियो बनाएंगे, और इनके बच्चे भी मैं आपको दिखाऊंगा, इन गायों के बच्चे नेक्स्ट वीडियो में भी आप देख सकते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए, जय गो माता, जय भारत।